नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। रेलवे परीक्षा में अब तक पूछे गए जो जीके और जेएस के 1000% का पार्ट 4 लेके हम डिस्कस करेंगे, हम 1, 2, 3 पार्ट हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगा मैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जहां से आप सारी की सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और www.targetwithgoswami.com पर आप वेबसाइट पे विजिट करके रेलवे से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी बुक्स और पीडीएफ हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। तो दिल्ली से दौलताबाद है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्रांसफ़र की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। तो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 तक थी, तो 1951 में स्टार्ट हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा अर्कत समूह है सर्वदाता कहलाता है। तो जो ओ पॉजिटिव होता है वो क्या है, सर्वदाता अर्कत समूह कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है। तो देखिए, मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी है। प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति है वो 300,000 किलोमीटर पर सेकंड है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ये सबसे पहले किसने बताया। तो देखिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। प्रकाश वर्ष का संबंध है वो खगोलीय दूरी से है। जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर, वो कहाँ स्थित है। तो अमृतसर पंजाब में है। चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है। तो इंडिया गेट नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल आगरा में है। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई। देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना है वो सिंगापुर में की गई थी। कहाँ की गई थी, सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है, वो 5 सितंबर को मनाते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है। खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। किसके जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का नारा है वो महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का नारा है ये भी किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो वेदों की ओर लौटो ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद, देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा है वो आपको काफ़ी ऑप्शन में भगत सिंह मिल जाएगा, लेकिन ये किसने दिया था, इकबाल ने। किसने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा, इकबाल ने। लेकिन आपको ऑप्शन में इकबाल ना मिले तो आप भगत सिंह कर सकते हो इसमें, ठीक है। लेकिन मैन क्या होगा, इकबाल होगा। आगे देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था यह नारा। आराम हराम है, देखिए आराम हराम है ये नारा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा है वो पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान ये किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। मारो फिरंगियों को, देखिए मारो फिरंगियों को ये नारा मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को 1857 क्रांति की पहली फांसी हुई थी मंगल पांडे को, बैरकपुर छावनी में तैनात था। आगे देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन है वो समुद्र गुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? समुद्र गुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधार का रहा? तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक जो प्रयास जो समाज सुधारने का वो किसका था? राजा राम मोहन राय का। आगे देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का पता ही है सबको, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक, तो ये महात्मा गांधी ने लिखी थी ये पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का देखिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? देखिए फिल्म इंडस्ट्री में जो सर्वोच्च जो भारतीय पुरस्कार दिया जाता है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। अब प्रश्न उल्टा ही पूछा जा सकता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक बताइए? तो भारत का सबसे जो वीरता पदक है वो है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर है वो कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह है वो चार्ल्स बेबेज। किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति रसिया के थे, गागरिन, यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे? यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया? देखिए प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट, सन 1975 में छोड़ा गया इसे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है, अब बान की मून चेंज होंगे तो इस जगह कौन आए हैं देख लीजिए, एंटोनियो, नाम ध्यान रखिए, एंटोनियो गुटेरस। ये पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरस, जो वर्तमान में यूएनओ के अध्यक्ष हैं। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता ही है 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। तो ये थे आज के हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारे 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 4 था। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। और जो दोस्त पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट 5 कल अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट या उस चीज़ के लिए बुक्स के लिए आप मेरी वेबसाइट है www.targetwithgoswami.com पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। और फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलें। देखिए वीडियोस तो आपको मिलते ही रहेंगे रेलवे एग्ज़ाम के लिए भी, हर एग्ज़ाम के SSC है चाहे UPSC किसी भी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको PDF की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए मैंने वेबसाइट जो तैयार की है वो बता देता हूँ। इसमें इंग्लिश के नोट्स और बुक्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, GK, करंट अफेयर और जो भी नई वैकेंसी आएंगी नोटिफिकेशन और वीडियोज़ भी इस पर सारे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इस पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं हैंड रिटन होते हैं मेरे द्वारा लिखे, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप बुक्स परचेज नहीं कर सकते, जो स्टूडेंट्स मतलब बुक्स वगैरह परचेज नहीं कर सकते तो वो यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्टली लोगों के पास आज जो भी यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन तो है, तो मतलब आप जो भी आपको PDF की ज़रूरत हो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं और उसके मैं जल्द से जल्द आपको यहाँ PDF प्रोवाइड करा दूंगा सभी बुक्स की जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आप इस वेबसाइट पर ज़रूर फॉलो करिए, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। सारे के सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे ऐप में, और जैसे इंग्लिश के लिए मैंने बुक इस पर अपलोड कर दी है,
और आधुनिक भारत का इतिहास है, ये हैंड रिटन मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपके आर ओ ए आर ओ जो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस है उसके लिए, और दया आई एस का ये मैंने साप्ताहिक करंट अफेयर अपलोड किया है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अपलोड कर दिया है, करंट अफेयर है वो सितंबर से मार्च तक का अपलोड कर दिया है, और रीजनिंग की भी जो आर एस अग्रवाल है, और भी बहुत सारे आप देखोगे तो 20 से 30 बुक्स मैंने इस पर अपलोड कर दिए हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाना ना भूलें, www.targetwithgoswami.com www.targetwithgoswami.com, और आप यहाँ मेल के द्वारा फॉलो कर सकते हैं, और बस इतना ही बताना था आपको। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, तो सभी का बेनिफिट हो सके, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, इसी के उद्देश्य से बनाई गई है। कोई भी इस पर आपका एक्सपेंस नहीं होगा, बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।